गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास टू के बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में आपके सोशल स्टडीज़ का एक नया लेसन नंबर 7 आपको पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर है आवर शेल्टर्स। आवर मीन्स हमारा, शेल्टर्स मीन्स रहने का स्थान। मनुष्य है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है, तो कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं समुद्र के किनारे का इलाका है, कहीं मरुभूमि है, बालू ही बालू है, कहीं आपको बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो अलग अलग स्थान हैं, तो अलग अलग स्थान में लोग जो हैं वो अलग अलग तरह का मकान बनाते हैं, क्योंकि मकान बनाने के पीछे दो कारण होता है कि एक तो वहाँ का मौसम जैसा होता है, मौसम के हिसाब से मकान बनाया जाता है। ये सब इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा क्यों बनाया जाता है। लेकिन दूसरा कारण ये भी है मकान अलग अलग बनाने का, कि आदमी जिस भी इलाके में रहता है उस इलाके में मकान बनाने के लिए जो उसके पास सामग्री आएगी, जो भी सामान आएगा, आदमी उन्हीं सामग्रियों के द्वारा या उन्हीं सामानों के द्वारा ही नया मकान बना पाएगा। मान लीजिए आप राजस्थान चले जाइए, बालू ही बालू है, मिट्टी बिल्कुल नहीं है, तो वैसे इलाके में मिट्टी मिलता ही नहीं है, तो मिट्टी की ईंट बनाना संभव ही नहीं है। तो या तो आप बहुत दूर से मंगवाइए, तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। दूसरा, या फिर राजस्थान में जो चीज़ उपलब्ध हैं, जैसे पथरीला इलाका है, तो आप उनका मकान बनाइए। तो ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, कि पक्का हाउस क्या होता है, पक्के का मकान क्या होता है, और पक्का का मकान बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पक्का का मकान कैसा होता है, ठीक है, और फ्लैट क्या होता है, फ्लैट किसे कहते हैं। इसके पहले आपको ये भी हम बताएंगे कि मकान में हम किनके साथ रहते हैं, मकान हमें क्या क्या प्रदान करता है, कौन कौन से सुरक्षा प्रदान करता है, किन किन चीज़ों से बचाता है, ठीक है, और मकान छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। अब पक्का हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था इसके पहले, तो एक कच्चा हाउस भी होता है, कच्चा मकान होता है। तो कच्चा मकान कहाँ पाया जाता है, कच्चा हाउस मकान बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कच्चा मकान कितना मज़बूत होता है, क्या परेशानी होती है, क्या खूबियाँ होती हैं, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है हाउस बोट। हाउस बोट का मतलब वो हाउस मकान, बोट नाव, मतलब नाव और मकान एक साथ। तो हमारे देश में और इस पूरी दुनिया में कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नाव के ऊपर भी मकान बनाया जाता है, लकड़ी का वो मकान होता है, जैसे सिकारा बोलते हैं। हमारे कश्मीर में एक डल झील है, डल झील बहुत नामी झील है, सालों भर वहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। सर्दियों में डल झील जम जाता है बर्फ़ के रूप में, तो जो घूमने वाले लोग होते हैं उन्हें हम सैलानी बोलते हैं। तो वो लोग का एक शौक होता है कि वो उस हाउस बोट पे अपना रात बिताएं, उसी पे रहें, खाना वगैरह उसी पे खाएं, जैसे घर में खाते हैं या होटलों में रहते हैं, होटलों में खाते हैं। तो इसका प्रचलन वहाँ खूब है। तो हाउस बोट क्या होता है, कैसे होता है, ये सभी मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घुमक्कर हैं, जिन्हें हम नोमड्स कहते हैं, जिनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है। वो आज हम यहाँ मुजफ्फरपुर में हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यहाँ काम समाप्त हुआ, यहाँ से फिर चले गए, वो पटना चले गए, वहाँ पे भी कुछ दिन रहे, काम किए, खाए पिए, जब वहाँ काम खत्म हो गया फिर वहाँ से वो गया चले गए। तो ऐसे वो घूमते रहते हैं, उनका कोई अस्थायी ठिकाना होता नहीं है। तो अस्थायी ठिकाना नहीं होता तो उनका अपना अस्थायी मकान भी नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो हैं एक विशेष किस्म के गाड़ी, जिसे हम कारावान कहते हैं, होता वो कार ही है, और उसके ऊपर में वैन बनी होती है, काफ़ी बड़ी उसकी बॉडी होती है, उसी में कमरा होता है, उसी में
टॉयलेट बाथरूम किचन वगैरह सब होता है, उसी में सब वो रहते हैं, उसी में खाते हैं, गाड़ी को सड़क के किनारे लगाते हैं और अपना घर के तरफ उसमें रहते हैं, तो उसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा पहाड़ों पे मकान कैसा बनाया जाता है, पहाड़ों पे जो मकान बनती है उसका छत कैसा होता है, मैदानी इलाका में जो मकान बनता है उसका छत कैसा होता है और क्यों होता है, दोनों बात है। इसके अलावा जहाँ पे सालों भर बर्फ ही बर्फ जमी होती है, खास करके नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे तो आबादी नहीं है, तो नॉर्थ पोल पे रहने वाले लोग जो हैं जहाँ 365 दिन बर्फ ही बर्फ जमा होता है, तो उस जगह के लोग जो हैं वो किस तरह के मकान में रहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में। और मकान अलग अलग बनाने के पीछे क्या कारण है मैंने आपको बताए ही हैं, ये सब मैं आपको कल अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपके लिए बहुत आसान काम मैं दे रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर लर्न मतलब रीडिंग करना है, जो जो वर्ड दिक्कत हो रही है पेरेंट्स से पूछिए, ज़्यादा दिक्कत हो हमसे पूछिए, आप व्हाट्सएप पे डालिए मैं बताऊंगा मैं आपको, और आप इसको रीडिंग करके रखेंगे, कल जब मैं आपसे मिलूंगा आपसे वीडियो में तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा लाइन बाई लाइन में पढ़ाऊँगा, समझा के पढ़ाऊँगा, और उसके बाद तब आप एक दिन पहले अगर उसको आप स्टडी करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप बहुत अच्छे से समझ पहुँच पाएंगे। तो कल आपसे हम नए वीडियो में आपसे हम मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय बाय।